प्रदेश की नदियों में लगातार जलस्तर घट रहा है और पानी की गुणवत्ता में भी कमी आई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिंधु नदी बेसिन की 5 प्रमुख नदियों का नमामि गंगे की तर्ज पर पुनरुद्धार करने का प्रयास हिमाचल वन अनुसंधान संस्था करने जा रही है। इसी मकसद से 2 दिवसीय लॉन्च वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों की नदियाँ लोगों की आजीविका चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नदियों के किनारों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात कही।